Welcome back to our channel. I'm Shweta. And I'm Shreya. So guys, we are back with another video today. और आज हम लोग reaction देने वाले हैं. Top Studio Pakistan के season 15 के एक और song पे. जिसका title है हर काल है. I hope मैंने सही से pronounce किया हो. अगर नहीं किया तो I'm sorry. अभी song सुनेगा तो समझ में आ जाएगा कि exactly क्या title है. But देख के तो हर काल ही लग रहा है. तो singers basically इसके हैं जहूर एंड रहमा. तो इसके पहले भी हमने कोक स्टूडियो पाकिस्तान के सॉन्ग्स पे रिएक्शन दिया है जो अभी न्यू रिलीज हुआ है सीजन 15 के. अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लो. और अभी ये न्यू सॉन्ग आउट हुआ है तो हम इसको देखने वाले हैं एंड देन वी विल गिव आवर रिएक्शन. तो स्टार्ट करते हैं. कोक स्टूडियो सीजन 15. जुन जमा जुन दस्ता बेलशाने दे हर कले जकवम जपा दरवाजे स्तरगो तो राकई मालख कोला झपसे सर्वमा लकाले बने सारमा वरपसे लारदा में खाने दस लगो सदा श्वदख कोला उस पले रह गए प दुनिया सुझ में चिब्या दसी कोले तमियो मकाम के रसोले नशे मत जा पुपुयोले कोले वाली दे दसी कोले दसी कोले दसी कोले सुझ में चिब्या दसी कोले तमियो मकाम के रसोले कोले वाली दे दसी कोले दसी कोले Like in a blue Hola.
सॉन्ग, ये सॉन्ग मुझे बहुत अलग लगा और बहुत पसंद आया. इतना ही मतलब अलग वाइब थी ना इस सॉन्ग की, इतनी डिफरेंट वाइब थी इस सॉन्ग की. इवन सेट, सेट तो पूरा ही अलग था स्टार्टिंग से ही, पूरा अलग सेट था. इसके पहले हमने जो कोक स्टूडियो पे रिएक्शन दिया है उसमें सेट जो है वो मतलब पता होता था, आइडिया होता था कि ऐसा टाइप का होगा, या काफी कलरफुल होता था, वो हवेली काइंड ऑफ होता था. ये अनएक्सपेक्टेड था और बहुत अच्छा था. इवन लास्ट सीन जो था दैट वाज माय फेवरेट, बारिश वाला जब सीन आया दैट वाज माय फेवरेट. इतना सुपर्ब लग रहा था ना, और दोनों ने बहुत अच्छा निभाया, लड़का लड़की मतलब वो जो सिंगर्स थे दोनों, उन दोनों ने बहुत अच्छा निभाया. मुझे सबसे अच्छा लगा वो फीमेल पोर्शन, मेरा फेवरेट था फीमेल पोर्शन. नो ऑफेंस, लड़के ने बहुत अच्छा गाया था, बट हाँ मेरा फेवरेट अगर मैं बोलूँ तो फीमेल पोर्शन था. पता नहीं उसकी वॉइस कुछ अलग ही लग रही थी, और जिस हिसाब से वो गा रही थी इट वॉज लाइक अनरियल, मतलब इट वॉज अनरियल एक टर्म है, इट वॉज लाइक अनरियल. ये तो भी बोली कि वो नहीं गाती, आई एम सेइंग कि वो अनरियल लग रहा था बहुत, इतने अच्छे से वो गा रही थी, एंजॉय कर रही थी बेसिकली वो गाते गाते. दैट वॉज लुकिंग, लड़का भी एंजॉय कर रहा था, मैं नहीं बोल रही कि लड़का एंजॉय नहीं कर रहा था, बोथ वेर एंजॉयिंग. लड़की का पोर्शन ज्यादा थोड़ा फेमिनिज्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं, अब तो लड़की का पोर्शन ज्यादा अच्छा लगी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. पर मुझे पर्सनली मुझे वो लड़की का पोर्शन ज्यादा अच्छा लगा. मेरा फेवरेट पोर्शन वो था जब वो सॉन्ग स्टार्ट हुआ, जहाँ से मतलब पहले तो जो डायरेक्ट वो कोक स्टूडियो सीजन 15 के बाद वो विजुअल आया, एंड वो विजुअल बेसिकली रेगिस्तान काइंड ऑफ था, खंडर वाला रेगिस्तान स्टूडियो था वो, विजुअल की बात. हाँ मतलब वो पूरा ही स्टूडियो था, मैं वो बोल रही हूँ, मैं विजुअल की बात कर रही हूँ, विजुअल तो खंडर वाला रेगिस्तान था ना, वो ऊंट वो इंसान मतलब काफी एस्थेटिक वाला वाइब होता है ना, वो उससे स्टार्ट होते 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 अचानक से वो बीट स्टार्ट हुआ. एंड जब वो बीट स्टार्ट हुआ और वो मतलब वो बीट ही तो पहला बार मैंने उस टाइप का बीट पहले कभी सुना नहीं, काफी यूनिक बीट था ये, और मुझे पर्सनली बहुत 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 प्रिटी लगा वो बीट. एंड वो बीट प्रिटी, हाँ मतलब बीट दिख रहे थे सुनने में काफी प्रिटी, काफी पीसफुल लगा, आई मीन टू से Okay. And उसके बाद जब वो लड़के ने मतलब जो फिर मेल वोकल में थे जो उन्होंने, हाँ जहूर, उन्होंने जब वो क्या वो बीट के साथ जब उन्होंने वो सॉन्ग स्टार्ट किया, दैट पोर्शन वाज माय फेवरेट, मुझे बहुत पसंद आया वो पोर्शन. एंड एक और पोर्शन था जब वो बारिश स्टार्ट होने के पहले वो बीच में जो गोल टाइप वो सर्कल टाइप का बना हुआ था जहाँ पे वो नाच रहे थे सारे, बारिश और वो बारिश नहीं बारिश स्टार्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे. हाँ, एक बच्चा था और उसने ऊपर देखा एंड देन बारिश स्टार्ट हुआ, और ऊपर देखा उस टाइम पे जो बादल दिखाया गया वो बेसिकली मून के जैसा लग रहा था. वो पोर्शन मुझे बहुत मिसमराइजिंग लगा, एज बारिश के पहले वाला जो वेदर होता है वो वैसे भी काफी मिसमराइजिंग होता है, तो वो पोर्शन मुझे बहुत प्रिटी, बहुत बहुत ज्यादा प्रिटी लगा. एंड या मुझे एक और पोर्शन अच्छा लगा जब एंड में दोनों साथ में जब गा रहे थे वो पोर्शन. हाँ मुझे लैंग्वेज नहीं समझा कि कौन सा लैंग्वेज था, पश्तून थी आई थिंक, पठानी लैंग्वेज, बट उर्दू तो नहीं था, नीचे सबटाइटल्स था तो मुझे सॉन्ग समझ आ गया, मैंने वो पढ़ लिया, बट लैंग्वेज मुझे नहीं समझ आई कि ये कौन सी लैंग्वेज थी, बट ये जो भी लैंग्वेज थी ये बहुत मीठी साउंड कर रही थी, पठानी लैंग्वेज बहुत भरा था, और ओवरऑल ये पूरा सॉन्ग बहुत 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 ज्यादा अच्छा था. यस, सो गाइस दिस वाज आवर रिएक्शन, हमने बहुत एंजॉय किया, सॉन्ग हमें बहुत अच्छा लगा, एंड वी होप आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा. तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके. एंड गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा हैंडल्स दिए हुए हैं, अगर आप हमें वहाँ भी फॉलो करना चाहो तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हो. अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.